गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज सेकंड चैप्टर ऑफ स्टैट्स वैकेंसी डायग्राम स्टूडेंट वॉल्यूम एंड प्रोजेक्ट। इससे पहले हमने सिक्स चैप्टर किया, फिफ्थ किया, इसमें सबने अपने प्रेजेंटेशन डेटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं वो सारा का सारा हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना डेटा को, डेटा क्या है, सारा का सारा हमने डिस्कशन प्रीवियस वीडियोज में किया। अब फ्रिक्वेंसी डायग्राम जो है रिलेटेड क्या डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी हमारी फ्रिक्वेंसी है उसमें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम किस तरीके से रिपीट जो कर रहे हैं नंबर्स को कितने टाइम्स कर रहे हैं, तो उसको किस तरीके से हमें डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देना है। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका हिस्टोग्राम, उसके बाद पॉलीगोन, उसके बाद ओजाई। अगर हिस्टोग्राम की बात करें तो हिस्टोग्राम क्या है, ये भी एक ज्योग्राफिकल या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जिसका फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टीन्यूअस सीरीज। क्योंकि इसमें हमने इससे पहले जो हमने किया मीन्स बार डायग्राम बनाया उसमें सीधा सीधा सिर्फ फ्रिक्वेंसी आ रही थी, इसमें क्या है कॉन्टीन्यूअस सीरीज है मीन्स फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है, कॉन्टीन्यूअस सीरीज है। तो इसमें जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे हिस्टोग्राम तो वैल्यू उसको किस तरीके से लेंगे एक्स सीरीज में उसको शो करेंगे और उसकी फ्रिक्वेंसी को जो है वाई एक्सिस पे शो करेंगे। तो जिस तरीके से हम इसको बना रहे हैं वो आप देखें, इसमें सबसे पहले जैसे इसमें इसके अगर हम बात करें मार्क्स इसमें दे रखे हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। अगर हम हिस्टोग्राम की बात करें सबसे पहले अगर मार्क्स हैं, मार्क्स इसमें कहां से देंगे 0 to 10, 0 to 10, 20, 22, 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। फिर इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी इसमें जो है इस तरीके से पहले हमने मार्क्स लिख लिए, मार्क्स जो भी मार्क्स मीन्स इसमें जो हिस्टोग्राम बनेगा उसमें क्या दे रखी होगी कॉर्डिनेट सीरीज होगी मीन्स क्लास दे रखी होगी मार्क्स में, क्या क्लास 0 से 10 वाले इतने लोग हैं, 10 से 20 वाले इतने लोग हैं। तो इसमें जो क्लास दे रखी है इसमें कितने हैं 5, 10, 15, 20 और आपका है 4। इस तरीके से ये आपको सीरीज दे रखी है, ये मार्क्स हो गए आपके और ये फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हिस्टोग्राम जो हम बनाएंगे हिस्टोग्राम में हमारा आएगा क्या, अब ये दो तरीके से बनाते हैं, एक भी इक्वल क्लास इंटरवल, ये क्या आपका इक्वल क्लास इंटरवल है, इक्वल क्लास इंटरवल मीन्स इसमें जो क्लास है वो क्या है बराबर, जो डिफरेंस है वो कितना है इंटरवल कितना 10, 0 to 10, 10 to 20 सब में जो आपको क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। अब हिस्टोग्राम जो हम बनाएंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट और मार्क्स जैसे कितना जो आ जाएगा आपका 70। अब इधर अगर हम बात करें 5, 10, 15, 20 है तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरीके से इधर क्या आ जाएगी क्लास आ जाएगी, सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब इसमें हमें देखना है कि कहां कहां पे आपका आ रहा है, जैसे सबसे पहले जो है हमारा कितना आ रहा है 5 to 10, इससे ये क्या आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और नीचे जो आपका क्या ले रखा है ट्वेंटी टू फोर्टी
20 40 टू 15 12 इस 12 आपका यहां पे आ जाएगा। इसके बाद 50 टू 68 इस 10 से भी नीचे आ जाएगा, 50 टू 60 एंड 60 टू 74 5 से भी नीचे रह जाएगा। अगर हम इसके ऊपर नीचे ये कितना आपका 5 है 10 है 15 है 20 है 12 है 8 है और ये 4। तो ये हमारा क्या बन रहा है हिस्टोग्राम, क्लास इंटरवल के साथ इक्वल क्लास इंटरवल है, तो ये क्या बन गया हमारा हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास इंटरवल। अब एक है अनइक्वल क्लास इंटरवल हिस्टोग्राम है अनइक्वल क्लास इंटरवल अनइक्वल क्लास इंटरवल। अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल में क्या है क्लास में बराबर है उसमें क्लास क्या होगी हमारी अलग अलग होगी, जैसे 10 टू 15 15 टू 20 तो क्लास दे रखी है मार्क्स मान लो मार्क्स है 10 टू 15 15 टू 20 20 टू 25 30 to 25 30 to 40 40 to 60 60 to 80। ये क्लास दे रखी है यहाँ पे कितने डिफरेंस है 5 का है यहाँ पे 5 का है यहाँ पे 10 का हो गया इसके बाद 20 का हो गया यहाँ पे 20 का हो गया तो ये अलग अलग दे रखा है यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है 7 10 27 7 10 27 15 12 12 15 12 12 and 8 ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है इसका टेबल एक बना के एडजस्टमेंट करना है कि एडजस्टमेंट इसका कैसे होगा क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल अलग अलग है तो इसको इक्वल में लाना है तो इसको अगर वेजेस है या मार्क्स है इसमें जैसे वेजेस दे रखा है तो इसको इक्वल लाएंगे पहले क्लास बनाएंगे हम ठीक है। अगर हम वेजेस है तो यहाँ पे एक टेबल बन जाएगा टेबल तो हम क्या करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अनइक्वल क्लास इसका हम क्या करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ठीक है। अब इसमें अगर हम मार्क्स है तो मार्क्स का बना लेंगे मार्क्स जैसे ये दे रखा है 10 टू 15 15 टू 20 20 टू 25 25 टू 30 30 टू 40 40 टू 60 60 टू 80 ये हमारा पूरा का पूरा क्लास दे रखा है। इसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स इसमें है या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम बोल दें ठीक है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या 7 है 10 है 27 है 15 है 12 है 12 है 8 है। अब इसमें एडजस्टमेंट करेंगे कि एडजस्टमेंट किस चीज का फैक्टर होगा एडजस्टमेंट फैक्टर एडजस्टमेंट फैक्टर का जो फॉर्मूला है अगर हम एडजस्टमेंट फैक्टर करते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा हमारा अगर कोई भी हम एडजस्टमेंट फैक्टर करते हैं क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न क्लास अगर हम यहीं पे लिख दें क्लास इंटरवल ऑफ कंसर्न क्लास अपॉन लोएस्ट क्लास जो लोएस्ट क्लास होगी उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे लोएस्ट क्लास इंटरवल से जितना भी था लोएस्ट क्लास इंटरवल होगा उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो अब इसमें अगर देखें हम इसमें कितना 5 है तो लोएस्ट क्लास इंटरवल में कितना 5 तो 5 से 5 को डिवाइड करके 1 आ जाएगा यहां पर 5 है 5 अपॉन 5 1 5 अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 यहाँ पे 5 अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 यहाँ पे कितना आ रहा है आपका क्लास इंटरवल आ रहा है 10 10 अपॉन 5 इक्वल्स टू 2 20 अपॉन 5 इक्वल्स टू 4 20 अपॉन
5 = 4। तो इसमें जितना ये आ रहा है इसको हम देख लेंगे, इसमें फैक्टर एडजस्टमेंट जो है वो निकल आएगा कि फैक्टर एडजस्टमेंट कितना हो रहा है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट जो इसका क्या है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है वो आ जाएगा कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, जितने ही नंबर आए इससे हम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है हम कैलकुलेट करेंगे। तो जितनी ये आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको इस नंबर से डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर 7 / 1 = 7। दूसरा आपका 10 / 1 = 10, 27 / 1 = 27, 15 / 1 = 15, 12 / 2 = 6, 12 / 4 = 3, 8 / 4 = 2। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा इसको बनाएंगे, तो कर बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यही कर दूंगा, इसी तरीके से हम यहाँ पे मार्क्स ले रहे हैं, मार्क्स आ जाएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो अगर यहाँ पे 8, 12, 15, 27 तक है, तो उस तरीके से हम उसको लेते चले जाएंगे कि कहाँ तक हमें बनाना है। तो अगर हम इसमें 5 का डिफरेंस लेते हैं तो 27 तक का 5 का ले रहे हैं, 5, 10, 15, 20, 25 and 30, ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। अब नीचे जो हम क्लास देख रहे हैं, क्लास क्या है, 0 से 10 से 15 तक है, ठीक है, 0 है 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 80 तक चली गई आपकी, 40, 45, 50, 55, और हम बढ़ाना पड़ेगा 55 से 60, 65, 70, 75 और 80, 80 तक आपका आ रहा है। अब जो क्लास बनेगी पहली वाली से स्टार्ट कर रहे हैं, जो इसमें आ रहा है इसमें 10 to 15 कितनी आ रही है, 7, तो हम इसको 7 तक ले जाएंगे, 10 to 15 को 7 तक, इस पर लिख देंगे हम 7, 10 to 15, 7, 15 to 20 कितना आ रहा है, 10, ये 10 तक आ रहा है, तो इसको हम 10 तक ले जाएंगे, थोड़ा ऊपर, 20 to 25, 27, 20 to 25 कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, 27 25 to 30, 15 यहां तक आएगा, 15 तक, 25 to 30। इसके बाद है 30 to 40 का 6, तो 6 यहां तक आ जाएगा, तो यहां 30 से लेके आप कहां तक जाएंगे, 40 तक, 30 से 40 तक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 40 to 60 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 40 to 60 में 3 आ रहा है, तो ये यहाँ तक 60 तक 3 आ जाएगा, यहाँ 60 से 80 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, मीन्स और कम आ रहा है, इससे भी नीचे आ रहा है, तो इस तरीके से यहाँ तक आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ फ्रिक्वेंसीज कर रहे हैं हम। ये कब करेंगे, जब अनइक्वल क्लास इंटरवल होगा, जब क्लास इंटरवल बराबर होगा तो इस तरीके से बना लेंगे, जब अनइक्वल होगा तो पहले हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी का, तो हम इसको बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके, एडजस्ट करने के बाद इस तरीके से हम उसको ड्रॉ कर देंगे। इसमें अगर आप देखें तो अलग अलग कलर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ये इसके ऊपर उसका जैसे 7 है, 10 है, 10 के ऊपर 27, 15, 6, 3, 2 इस तरीके से इसको आप इसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ना कि इसके अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि आप इसको एडजस्टमेंट पहले कर चुके हैं। तो ये हमारा जो है क्या है, एडजस्टमेंट। अब नेक्स्ट इसमें आता है पॉलीगॉन, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है,
पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की अगर बात करें, पॉलीगॉन में क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड अदर फॉर्म ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इट इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग, किससे करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ द टॉप रेक्टेंगल्स एज द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के टॉप एंगल्स को हम खाली ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा हमारा, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन जैसे ही हमने हिस्टोग्राम बनाया, हिस्टोग्राम के जितने मिड पॉइंट है उसको हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है, जैसे ये है, ये है, ये है, इसको हमें खाली क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना, ठीक है। तो यहाँ से ये चलेगा, यहाँ से सब होता है, ये हो गया, ये हो गया, स्केल से या रूलर से इसको हम इस तरीके से खाली ज्वाइन कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा पॉलीगॉन आ जाएगा। तो ये क्या है, हिस्टोग्राम के बाद जब हम मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो वो क्या आ जाता है, कन्वर्ट किसमें हो जाता है, पॉलीगॉन। पहले हमने हिस्टोग्राम बनाया, हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद हिस्टोग्राम जो है, इस तरीके से हम इसको बना देंगे। दूसरा है, अगर हम मिड वैल्यूज के अकॉर्डिंग निकालेंगे, पहले हम उसको क्या करेंगे, मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू निकाल के मिड वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको हम बनाएंगे, तो उसमें क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू दे रखा हमारा 0 से 5 10 10 से 20, इसको क्या करते हैं, मिड वैल्यू निकाल देंगे। तो मिड वैल्यू निकाल के फिर उस तरीके से हम यहां पे जैसे मान लो सपोज दैट ये है एक्स वाई है, तो जितने भी मिड वैल्यू होंगे उस तरीके से, इस तरीके से ड्रा होगा, मान लो यहां 5 से स्टार्ट हुआ, ये क्या है, इस तरीके से, तो जितना भी होगा इस तरीके से हम उसको ड्रॉ कर देंगे, वो सिर्फ इस पे लेंगे खाली मिड वैल्यू। तो वो देखिए दूसरा इसका है, उसमें हमें इसको ड्रॉ करके सिर्फ इसी को ड्रॉ करना, मिड पॉइंट्स लेके, मिड वैल्यूज लेके, मिड वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम उसको निकाल देंगे। तो उसको क्या होता है, डिफरेंट जितने भी हैं वो आ जाएंगे। फिर अब फ्रिक्वेंसी कर्व, फ्रिक्वेंसी कर्व में क्या है, नेक्स्ट जो फ्रिक्वेंसी कर्व, जैसे हमने इसमें रूरल का स्केल, स्केल का या रूरल का इस्तेमाल किया, यूज किया, तो उसमें क्या फ्री हैंड से इसको मिला देंगे, खाली फ्री हैंड से चलेंगे तो वो हमारा आ जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी कर्व। नेक्स्ट आता है ओजाइक और क्यूम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व। नेक्स्ट जो इसके बाद है वो आता है लेस देन और मोर देन में। तो लेस देन या मोर देन के अकॉर्डिंग जो हम डिस्कस करेंगे, आप इसको देखें जरा, इसके बाद हमारा आएगा लेस देन और मोर देन। तो लेस देन और मोर देन में जो हमारा जिसमें हमने पहले किया, तो लेस देन और मोर देन, लेस देन में आपको क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, तो पहले क्या करना होता है, हमें फ्रीक्वेंसी में उसको कन्वर्ट करना होता है। तो अब हमें इसको आपको डिस्कस करना है, पहले इसको आप देख लीजिए जरा, उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं। आप इसमें जो नेक्स्ट है हमारा जो है हिस्टोग्राम, हमने डिस्कस किया हिस्टोग्राम के बाद क्या पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के बाद हमने डिस्कस पॉलीगॉन में बता दिया, जो हिस्टोग्राम बनाया उसमें हमें एक जो फ्री हैंड से मिड पॉइंट को ऐड कर देंगे, मिड पॉइंट कैलकुलेट करके कर देंगे, और एक जो हमने हिस्टोग्राम बनाया उसको रूलर से या स्केल से उसको मिड पॉइंट्स को जोड़ देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, पॉलीगॉन। अब है ओजाई, ओजाई में क्या है, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है 0 से 5, 5 से 10 की हमने क्लास दे रखी है, अब इसमें ये क्या दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और इनके से फ्रीक्वेंसी इनटू सीएफ, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें इसको कन्वर्ट करना होगा। अब क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है, कि इसमें हम ऐड करते चले जाएंगे, जैसे हमने ये लेस देन किया, लेस देन अगर लेस देन 5 लेस, दो तरीके से करेंगे, एक लेस देन का है और एक मोर देन का है, एक लेस देन टाइप है और एक क्या है, मोर देन टाइप है, दो करते हैं हम। लेस देन टाइप का है, लेस देन टाइप आपका लेस देन 5 है, तो उसमें क्या करेंगे, जो क्लास जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, इस वजह से क्लास जो मोर देन करेंगे, मोर देन क्लास स्टार्ट होगा आपका, यहीं से अगर हम कर देते हैं इसमें, अगर मार्क्स हैं, मान लो मार्क्स हैं, ठीक है, और ये आपका सी एफ है, मार्क्स हैं मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25, मोर देन 30, मोर देन 35, मोर देन 40, तो यहां तक आया मोर देन 40 का, ठीक है। जैसे वो लेस देन 40 है तो ये कहां तक आ जाएगा, मोर देन 40 का। अब हमें सीएफ निकालना है, इसका जो सीएफ है इसमें ऐड करते चले जाएंगे, 4 है, लेस देन 5 है, 5 का कितना 4 है, लेस देन 10, मींस हियर ये ऐड हो जाएगा, 4 + 6 = 10,
10 हो गया, फिर 10 प्लस 10 20 हो गया, इस तरीके से इसमें ऐड करते चले जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। मींस हर किसी में मोर देन लेस देन यहां पे भी होगा, लेस देन 10 है तो यहां पे होगा, लेस देन 15 है तो मींस ये तीनों इंक्लूड हो जाएंगे, 4 प्लस 6 प्लस 10, तो 10 पहले हो गया, 10 प्लस 10 20, तो यहां पे क्या कर देंगे हम 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20, तो इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा कि लास्ट में कितना हो रहा है आपका 100 आ रहा है, 10 प्लस 25 20 को लेकर ये इस तरीके से आ गया। अब मोर देन 0 है, मोर देन 0 है, मोर देन 0 मींस 0 से लेके ऊपर जितनी भी फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी, तो वो कितनी आ रही है टोटल, इसका कितना 100 है, 10 20 30 30 और 25 55 55 प्लस 77 हो गया 95 हो गया, तो ये मोर देन कितना है, हम यहां पे फ्रीक्वेंसी की बात करें, CF की बात करें यहां पे, तो CF कितना आ गया यहां पे 100, मींस टोटल कितना है 100। अब मोर देन 5 यहां से लेके दूसरा क्या मोर देन 5, तो 100 में से 4 कम हो जाएंगे, 100 माइनस 4 इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 96। इसमें थर्ड में क्या मोर देन, ये मोर देन 5 हो गया, मोर देन यहां पे उसने अब इसमें से 6 और कम कर देंगे, ठीक है, तो इस तरीके से जब दूसरा माइनस में 6 करेंगे तो वो कितना आएगा आपका 96 माइनस 6 इक्वल्स टू 90, मोर देन 10 में कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। इसके बाद 90 माइनस 10 इक्वल्स टू 80, इस तरीके से हम इसमें से माइनस करते चले जाएंगे, ठीक है। अब 80 आ गया, 80 में से फिर हम माइनस करेंगे माइनस 10 इक्वल्स टू 70, 70 माइनस 25, ठीक है, 5 और 6 में से 2 4 45 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा लेस होता चला जाएगा, 45 के बाद कितना आपका 45 माइनस 22 इक्वल्स टू 23, उसके बाद है 45 के बाद 23 माइनस 18 इक्वल्स टू 5, उसके बाद है 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो ये हमारे किसका सीएफ इसका बनता है। अब दोनों का सीएफ हमें बना है, अब इसमें हम क्या कर लेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे, तो ड्रॉ के लिए क्या है, ग्राफ अगर बनाएंगे लेस देन हो जाएगा और मोर देन आ जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इधर आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, यहाँ पे ये 5 10 से अगर हम करते हैं 5 या 10 से करते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, जो क्लास है लेस देन 5 है, 10 है, 15 20 25 30 35 40 45, अब लेस देन 5 जो है कितना है 4, लेस देन 5 जो है क्या है 4 है, लेस देन 10 जो है कितना है 10, तो पहला जो लेस देन 5 है, लेस देन 5 को कहां पे लगाएंगे, लेस देन 5 को लगाएंगे 4 पे, 5 यहां 5 आ जाएगा लेस देन 5, और जो सीएफ है वो आपका आ जाएगा 4 पे, मींस ये 10 है यहां 5 का तो यहीं पे आ जाएगा, ठीक है, यहां स्क्वायर में इसको लगा देंगे। दूसरा है लेस देन 10, लेस देन 10 है वो किस पे जाएगा आपका 10 पे जाएगा, मींस यहां पे आ जाएगा सीधा सीधा 10, उसके बाद है आपका लेस देन 15 जो है वो किस पे है 20, लेस देन 20 का वो किसका आएगा 30, यहाँ पे 30, ठीक है, उसके बाद क्या 55, 55 मींस यहाँ पे आ जाएगा 30 जो है, सॉरी 25 जो है वहाँ पे आ जाएगा 55, तो 55 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे, तो इस तरीके से बढ़ता हुआ 55 और 70 है, तो इस तरीके से ये उत्तर को जा रहा है, तो ये जो है ये क्या आपका, अब यहाँ पर हम इसको करें 4 है यहाँ पे कितना आपका 10 है 20 है 30 है 55 है 77 है, ठीक है 95 है और 100 है।
स्टार्ट है, इसमें भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एट्टी नाइनटी एंड हंड्रेड, ठीक है। यहाँ पे तो बनेगी क्लास इसकी मोर देन फाइव मोर देन जीरो है, तो जीरो से लेके फाइव टेन फिफ्टीन इस तरीके से फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी फाइव फोर्टी फोर्टी फाइव फिफ्टी इस तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं। अब ये जीरो है मोर देन जीरो है तो कितना हंड्रेड, यहाँ से ड्रॉ होगा जीरो से हंड्रेड, फाइव है तो नाइन्टी सिक्स इससे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, 96 पे आ जाएगा, फिर 90 पे, 50 पे कितना आएगा 90 पे, फिर 80 पे, जो आपका 80 पे कितना आ रहा 15 पे, यहाँ 15 का ध्यान क्या जाएगा 80 पे, ठीक है। फिर 70 20 आएगा तो कितना आ जाएगा 70, इधर 25 है तो कितना आ जाएगा 25 पे 45, फिर 23 फिर कितना है 5 आ रहा है, 35 पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है, और यहाँ पे आपका 40 पे कितना आ रहा है 0, इस तरीके से ये इसको हम इस तरीके से ये ड्रॉ होगा ये, ठीक है। मीन्स क्या है कि इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ से काफी नीचे से जाके यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या ऊपर से नीचे को आएगा, ये नीचे से ऊपर हो जाएगा, इस तरीके से हमारा बनेगा। तो इसको आप ड्रॉ कर लेंगे, इसमें एक कंबाइन देर का कंबाइन अगर करेंगे तो अगर दोनों को कंबाइन करें तो यहाँ से इसी को ड्रॉ इधर को कर देंगे तो दोनों एक साथ भी ये बन जाएंगे। सो स्टूडेंट्स यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम्स इन योर नोट कॉपी नोटबुक and do the all the questions related to this chapter. Okay, thank you students.